वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूँ केएस तोमर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीचेकिंग के बारे में। अभी रिसेंटली ही इग्नू का रिजल्ट आया हुआ है, और जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है या उन्हें लगता है मैंने ज़्यादा मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए हैं, तो वो रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। बट उससे पहले बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने रिजल्ट या अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका किसी सब्जेक्ट या आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है इसमें मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे बट कम आए हैं, तो आप उसके लिए रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं, जिसको इग्नू ने री एवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का नाम दिया हुआ है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में रीचेकिंग कह सकते हैं। अगर आपने जून में या दिसंबर में, सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर की, अगर आप दिसंबर में एग्जाम दिए हैं आपने, तो आप 31 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जून में एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आप 30 सितंबर तक रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आज हम बात करेंगे जो हमारा रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर एग्ज़ाम, उसके लिए आप 31 मार्च से पहले ही अप्लाई करें। उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट ₹500 पे करने होंगे। अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट है, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग करवाते हैं तो उसके लिए आपको ₹500, अगर आप दो के लिए करवाते हैं तो आपको ₹1,000 पे करने होंगे। आपकी जो पेमेंट होगी ये DD के थ्रू होगी, यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, जो फेवर में होगा इग्नू के और पेबल होगा रीजनल सेंटर पे, या आप मैदानगढ़ी जो मेन सेंटर है वहाँ पर इसको पे करिएगा, और ये वहीं पर ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म आप अपने रीजनल सेंटर से भी ले सकते हैं बट आपको सबमिट मैदानगढ़ी जो इग्नू का हेडक्वार्टर है वहीं पर ही करना होगा। एक इम्पोर्टेंट बात, इसके लिए जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, लैब कोर्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, वर्कशॉप, असाइनमेंट और सेमिनार्स, ये सब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते, या इनके मार्क्स को लेके अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप अपने सीधा रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें, अदरवाइज इसके लिए कोई रीचेकिंग नहीं होती है। रीचेकिंग सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना होगा या फिल करना होगा, जो मैंने लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उस फॉर्म को कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है और क्या क्या चीज़ उसमें दी हुई है, या फिर आप अपने नियर रीजनल सेंटर पर जाकर फॉर्म भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रीचेकिंग का ये प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम लेता है, लगभग 1 से 2 महीने का टाइम इसमें लग जाता है। अगर आपको रियल में ही ऐसा फील होता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की थी बट उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं आए हैं, तो ही आप रीचेकिंग के लिए जाएं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, लगभग बहुत से केसों में ऐसा देखा गया है कि किसी ने रीचेकिंग करवाई है बट उसके मार्क्स कभी भी जितने मार्क्स उसके पहले थे एक्चुअल मार्क्स ही रहे हैं, इंक्रीज नहीं हुए हैं। बट अगर आपको रियल में ऐसा फील हो रहा है तो आप जरूर रीचेकिंग के लिए जाएं, हो सकता है आप सही हो और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएं। और इसमें प्योरिटी, अगर आपके मार्क्स मान लीजिए पहले जो ग्रेड कार्ड में शो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं और जब आपने रीचेकिंग करवाई है तब 60 हैं, तो आपके जो फर्स्ट प्योरिटी मैक्सिमम मार्क्स को दी जाएगी, चाहे वो आपके पहले वाले हों या नए वाले हों, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे उन्हीं को आपके ग्रेड कार्ड में शो किया जाएगा। तो इसका एक यही बेनिफिट होता है, अगर आप श्योर हैं तो आप रीचेकिंग के लिए जरूर जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।